हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आप देख रहे हैं किया की सोनेट एचटी के ऑप्शनल जुलाई 2024 वाला मॉडल, जो हमने भी रिसेंटली बाय किया है। इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ गाड़ी का वॉक अराउंड, प्लस जो जो एसेसरीज हमने किया के शोरूम से इस गाड़ी के अंदर लगवाई हैं उन सब के बारे में आपको बताऊँगा, प्लस गाड़ी का एक छोटा सा ड्राइव लेके आई एंगल व्यू आपको दिखाऊँगा। तो गाइस देखिए, गाड़ी बाहर से बहुत ही मॉडर्न लुक में है और देखते शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें एक ये क्रोम बीडिंग लगा हुआ है, एक ये क्रोम हैंडल लगा हुआ है, और एक ये क्रोम की साइड बीडिंग लगी हुई है, स्टाइल व्हील कैप कंपनी की तरफ से है, और एक ये डोर गार्ड लगा हुआ है, और एक ये टेल गार्निश क्रोम लगा हुआ है। ये पूरा यहाँ से लेके ऐसे पूरा एंड तक है दोनों साइडों पे, और ये स्किड इसमें लगी लगाई आई थी। ये कैमरा इसका रिवर्स, एक ये विंडो गार्निश लगी हुई है, तो ये एसेसरीज इसके अंदर लगी हुई हैं आउटसाइड से, और इंटरनल क्या क्या लगा हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। इंटरनल एक तो ये 7D मैट्स लगे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं कितने अच्छी लुक दे रहे हैं। बूट स्पेस देखिए गाड़ी का, इतना स्पेस है बूट स्पेस, 387 लीटर आई थिंक, विद वॉशर विद वाइपर। लुक्स देखिए गाड़ी की, पूरी माचो, और न्यू फेस लिफ्ट होने के बाद से जो अपडेट हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। और अंदर एक ये बॉटल सेफ्टी पैक लगा हुआ है, और एक ये स्टीयरिंग कवर हमने रैप करवाया स्टीयरिंग को, और अभी अंदर से और कोई काम नहीं किया हुआ। एक परफ्यूम टेंपल किया की तरफ से लिया था हमने, मंदिर मतलब वहीं से ले लिया था, और एक ये टिश्यू बॉक्स लिया था हमने वहीं से किया थे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें अपनी एसेसरी से लगा रखी हैं, तो आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत ही टफ मतलब माचो लुक के साथ आई है, बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस, आपने आउटसाइड से इसकी वॉक अराउंड देख ही लिया गाड़ी का, गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही माचो लुक के साथ है। अब मैं आपको इसके इंटीरियर के बारे में भी, वैसे आपने बाकी वीडियोस में देख ही लिया होगा, बाकी इंटीरियर इसका बहुत प्रीमियम है, बहुत शानदार है, आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप इसके कैबिन पे को देखेंगे। अब मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एक बार दिखा देता हूँ किस प्रकार का है, वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा बट एक बार तब भी दिखा देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा या जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो भी लोग देख लेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस प्रकार का है। एक मिनट, वन आवर लेटर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम इसका ऑन कर रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होता है, बहुत ही प्रीमियम फील कराता है। अगर हम यहाँ से देखिए, इससे देखो 14 की माइलेज भी शो कर रहा है अभी जब से रिफिलिंग का है, इससे हम इसको अपडेट कर सकते हैं। देखो ऐसे क्या क्या इसके अंदर दिखाता है ये सारी चीज़ें, प्लस इससे बटन से इसके अंदर का टायर प्रेशर दिखा देगा,
ड्राइव डिस्प्ले दिखा देगा, लाइट्स के बारे में दिखा देगा, डोर के बारे में दिखा देगा, कन्वीनियंस में भी दिखा देगा, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, इन सबको रीसेट करने का भी दिखा देगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें शो हो जाती हैं। ये मोड और ये फ़ोन उठाने वाला, ये तो बोल के हम यहाँ से कॉलिंग वॉलिंग करवा सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले इसमें वायरलेस है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है और सनरूफ आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर। ये देखिए सूर्य देवता ऊपर से देख रहे हैं अंदर। तो ये सब काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील में बैठते हैं, तो ये देख के आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और आजकल ये सब एक मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कार के अंदर, तो ये अच्छे फीचर्स हैं। आपको अच्छा फील होगा जब आप ऐसे फीचर्स के साथ बैठेंगे गाड़ी के अंदर। और इसका प्रीमियम है काफ़ी इंटीरियर, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो अब इसका ड्राइव टेस्ट एक लेते हैं, वो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इस गाड़ी की अब परफॉर्मेंस टेस्ट होगी, वो आपको आगे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो अभी मैं एक ड्राइव टेस्ट लेता हूँ और उसके बाद आपको फिर बताता हूँ कि हाँ भाई ड्राइव टेस्ट में कैसी है गाड़ी, है क्या है इसका मतलब चलने में, इसका सस्पेंशन, शॉकर और पिकअप, ये सब कैसा है, ये सब आपको बताता हूँ। कि स्टार्ट करते हैं कार को, ये मारा हमने सेल्फ। अब ये देखिए गाड़ी स्टार्ट है, बट हमको बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा कि हाँ यार गाड़ी स्टार्ट है। चलिए एक वॉक अराउंड लेकर आते हैं हल्का सा। अब ये देखिए कि मैं एकदम अपने पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ, और ये देखिए दोनों बोनट पूरे डिस्प्ले हो रहे हैं अच्छे से। तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है सीट हाइट एडजस्टमेंट होने से, कि हाँ यार आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उससे ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको दोनों बोनट अच्छे से दिख जाते हैं और आप अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हॉर्न बहुत अच्छा है इसका, तो ये काफ़ी मतलब प्रीमियम फील कराती है मेरे को। इस गाड़ी के अंदर बैठने पे काफ़ी प्रीमियम फील होता है। आई होप कि जो भी इसका ऑनर होगा ऐसी गाड़ियों का, वो भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ये इसकी एक अच्छी बात है। अब ये स्पीड ब्रेकर पे देखिए कितना बम्प लेती है, नहीं लेती है। स्पीड ब्रेकर आ गया, हल्का फुल्का बम्प ले रही है, बट मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कुछ भी कि हाँ यार कोई चीज़ सस्पेंशन बहुत हार्ड है या ऐसा काइंड ऑफ। तो काफ़ी अच्छी है गाड़ी की ड्राइव भी, वो भी। तो गाइस आप ये मेरा व्यूइंग एंगल देख रहे हैं, कैमरा इस टाइम पे मेरे एकदम आईज के लेवल पे है। तो आपको व्यूइंग एंगल मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ यार आप कमांडिंग पोजीशन पे बैठते हैं तो दोनों बम्पर आपको एकदम अच्छे से डिस्प्ले होते हैं और आप एक अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे बैठ के ड्राइव करते हैं इस कार को। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस पोजीशन पे ड्राइव करना। आप मतलब ऐसा मेन ऊंचा फील करते हैं कि हाँ यार आप ऊंचा बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको इजी हो जाता है ड्राइव करना, तो ये एक अच्छी बात है। अब ये देखिए सेंसर इसका बोलने लग गया, जैसे मेरी गाड़ी के बराबर में कोई गाड़ी आई सेंसर इसका एक्टिव हो गया। अब ये देखिएगा मैं जैसे बराबर से निकलूँगा तो ये फिर एक्टिव हो गया देखिए, और इस प्रकार से शो कर देता है कि हाँ भाई राइट साइड पर आपके गाड़ी है या लेफ्ट साइड पर गाड़ी है। तो ये इसका एक अच्छा फीचर है जो आप भी पसंद करेंगे आई होप। देखिए गाइस रोड पे आपको कितना अच्छा फील होता है कि आप कितनी हाइट पे बैठे हुए हैं। छोटी मोटी गाड़ियाँ ऐसा लगता है कि आपके बहुत नीचे हैं और बहुत आरामी से आप उनको ओवरटेक भी कर सकते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा भगा के भी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, यू टर्न ले लूँ जरा। अब आप समझिए इसका डायमीटर भी बहुत कम है। अब ये देखिए मैं इसको भगाता हूँ, लोग बोलते हैं इसका पिकअप थोड़ा कम है, बट इतना भी कम नहीं है कि हाँ यार आप ना इसको मैनेज कर सके। ये देखिए आराम से 50, इतनी सी देर में मुश्किल से 200 मीटर के अंदर ही ये 50 पार कर गई और हमें को ब्रेक लगानी पड़ रही है। तो चलिए गाइस मिलेंगे आगे। तो
आप देख सकते हैं ये मेरा व्यूइंग एंगल है। मैंने जस्ट अपनी आईज के बराबर में कैमरा लगा रखा है ताकि आपको मेरे व्यूइंग एंगल का पता लगे कि हाँ यार जब मैं बैठा हूँ तो गाड़ी में कैसा पोस्चर होता है। तो ये देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये जहाँ से हम चले थे वहीं जहाँ आप पहुँच गए। गाड़ी देखिए सामने से भी किया कि गाड़ी ही आ रही है। तो ये मेरा ड्राइविंग पोस्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही बल्की लगती है, लुक वाइज बहुत अच्छी है। तो हम आ गए अपनी उसी जगह पे जहाँ से हमने गाड़ी भी वीडियो बनानी शुरू करी थी। तो गाइस मैंने अभी इसका ड्राइव ले लिया, वैसे तो ड्राइव में कर चुका था बट आपके लिए एक हल्का सा छोटा सा राउंड काट के दिखाया कि हाँ यार ड्राइव में बहुत अच्छी है, कोई साउंड नहीं करती, गाड़ी बहुत अच्छी है। तो ये इसका प्लस पॉइंट्स हैं। इसमें पार्किंग सेंसर हैं जो आपको मैं दिखा, ये देखिए फ्रंट पे भी पार्किंग सेंसर है और रियर में भी पार्किंग सेंसर है, प्लस कैमरा है ही है। तो इससे क्या है कि जैसी गाड़ी के आजू बाजू कोई भी आता है तो सर अपना एक्टिवेट करके आपको बता देती है यहाँ कि भाई दोनों साइड आगे फ्रंट पे भी गाड़ी है और पीछे भी है, तो आपको पता रहता है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है हाँ भाई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी ड्राइव करने में। तो ये इसके काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद आए, इसी वजह से मैंने इसको वैल्यू फॉर मनी समझा और इसको बाय किया। अब मिलेंगे, इस प्रकार की वीडियोज़ और बनाएंगे, प्लस इसका टोटल रिव्यू, प्लस ये गाड़ी परफॉर्म कैसे करने वाली है, हाईवेज पे डेली कम्यूट करने में कैसी है, ये सब मैं आपको आगे वीडियोस में बताता रहूँगा। और इन फ्यूचर इसके अंदर जो होगा वो आपको तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आपको पता है कि हम किस चीज़ के लिए अपना चैनल चलाए थे पहला, तो वो तो इसमें होना ही होना है। तो उसके लिए बने रहिएगा, कंटिन्यू वॉच करिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ हमारी आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देख सकें। तो इस प्रकार की वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाड़ी आराम से चलाएं, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें और गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं। मिलेंगे हमारी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।